बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। आई एम हियर विद क्लास सिक्स मैथमेटिक्स और आज हम करने लगे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं, आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना सीखेंगे। तो जनाब वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स के साथ होते हैं और हमें उसको डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ डील करना होता है। यानी हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर प्लस माइनस भी हो, वेरिएबल्स भी हो, कोफिशिएंट्स भी हो और कॉन्स्टेंट्स भी हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये समझ लो कि सम कहते हैं प्लस करने को, डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, जिसमें हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ पी एंड क्यू, दो चीजों का सम करना है, यानी दो चीजों को प्लस करना है। और वो कौन सी दो चीजें हैं? दो वेरिएबल्स हैं, पी है और क्यू है, और इन दोनों का सम क्या होगा? सिंपल है, पी को पी क्यू के साथ प्लस कर देना है, पी प्लस क्यू आपका सम हो जाएगा पी और क्यू का। इसके बाद आपसे कह रहे हैं द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है भाई माइनस करना है, दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है। ये भी हमें ऐसे ही पता चलता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किन दोनों चीजों को माइनस करना है? ए एंड बी, दो चीजों को माइनस करना है। लेकिन मजीद ये बता रहे हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, बड़ा कौन सा है? ए बड़ा है। और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो पहले लिखते हैं, तो ए हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर बी लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहां पर एक सवाल कर सकते हैं कि भाई यहां पर भी फिर जो चीज पहले हो वही आनी चाहिए। तो बच्चों एक चीज याद रखो, एडिशन का ये रूल है कि 3 प्लस 2 भी 5 होता है और 2 प्लस 3 भी 5 होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस करने में कि कौन सा नंबर पहले लिखा हुआ है, लेकिन जब बात माइनस करने की आती है तो ग्रेटर नंबर को पहले रखा जाता है और जो आपका स्मॉलर नंबर होता है वो बाद में रखा जाता है। ठीक है, अब बात आ गई यहां पर टू थर्ड्स। आप कहेंगे ये कौन सा नंबर है भाई? तो ये नंबर नहीं है बच्चों, ये है फ्रैक्शन। और जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो उसके अंदर दो नंबर्स को इसी तरह से लिखा जाता है कि पहला नंबर आपके पास एज इट इज होता है और दूसरा नंबर अपने ऑर्डिनल नंबर में होता है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो नहीं होता, हाँ अलबत्ता इसके अंदर हाफ इस्तेमाल होता है अपॉन टू के लिए, और उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अपॉन फोर, अपॉन फाइव, अपॉन सिक्स एंड सो ऑन के लिए यूज होता है। तो टू थर्ड का मतलब क्या है? 2/3। ठीक है, 2/4 होता तो क्या मतलब होता? 2/4। 3/5 होता तो क्या मतलब होता? 3/5 ऑफ। अच्छा, अब जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रहे होंगे बच्चों, वहां पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और किसका किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं कर देना, एक्स अलग होता है और मल्टीप्लाई अलग होता है। मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल आपके स्मॉल एक्स की तरह होगा, और आपका जो एक्स होता है उसको आपने थोड़ा सा कर्व कर देना है ताकि दोनों के दरमियान में डिफरेंस बाकी रहे। ठीक है, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं एडेड 2 2y, यानी ये पूरी चीज अब जाकर प्लस हो रही है किससे? 2y से। अब हम जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमने ये चीज सीख ली थी कि जब भी कोई वेरिएबल एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर बीच में मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2x, और नीचे क्या है? 3 है, और यहां पर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 3 × 1 क्या हो गया? 3। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? प्लस 2y, तो हमारे पास पूरा आंसर आएगा 2x/3 प्लस 2y। ये हमारी हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 3 की। फिर बात करते हैं पार्ट 4 की, तो इसमें कह रहे हैं द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई करना है, किसको? ऑफ m एंड n, m और n को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहां पर m और n को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही हूं बच्चों, क्योंकि अब ये चीज आप सीख चुके हैं कि दो वेरिएबल्स हो या वेरिएबल और कोफिशियंट हो, यानी नंबर हो, तो उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम वो साइन नहीं लगाते। तो ये क्या होगा? एम एन, और इसको हमें एड कर देना है टू देयर सम। देयर मतलब m और n के ही सम से हमें इनको ऐड कर देना है, तो एम एन को हमें प्लस करना है किससे बच्चों? एम प्लस एन से। ठीक है, एम एन को मल्टीप्लाई भी करो और एम और एन को प्लस भी करो और फिर इन सबको आपस में प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एम एन प्लस एम प्लस एन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q, इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन व्हेन 2p इज लेस देन 3q, यानी बड़ा कौन सा है बच्चों इसमें? इसमें 3q बड़ा है और 2p छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 3q माइनस 2p। ठीक है, हम यहां पर इसी तरह से लिखेंगे 3q माइनस 2p, जो हमेशा ग्रेटर नंबर होगा वही पहले आएगा। फिर है हमारे पास 3 × a, ये जैसे है आप करते हैं ना 2 × 2, यानी 2 × 2, तो 3 × a का मतलब 3 × a, तो हमें यहां पर क्या करना है? 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a हो गया ये।
ऐड कर दो अब इसको किससे, फोर टाइम्स बी, फोर टाइम्स टू क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई बाय टू, फोर टाइम्स बी क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई बाय बी, तो यहां पर हमें इसको प्लस कर देना है फोर मल्टीप्लाई बाय बी यानी फोर बी से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, थ्री ए प्लस फोर बी, ठीक है। आप इसको बड़ा साफ सुथरा सा काम कीजिएगा बच्चों, यहां पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको इसी तरह से लिखकर दिखा रही हूं। द सम ऑफ m, m को प्लस करना है किससे, एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। आपको यहां पर बच्चों ये करना है कि आपने n के कोशेंट को और n को ऐड कर देना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है टू से। तो बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इन्होंने बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया है। इन्होंने आपसे कहा है द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपको m को प्लस करना है, सबसे पहले तो आपने m लिख दिया यहाँ पर, और m को आपको प्लस कर देना है किससे, उसके कोशेंट से। कोशेंट किसको कहते हैं बच्चों, कि जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करके जो आंसर आता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 45 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 9। तो जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। जैसे एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ऐसे एक नंबर को दूसरे से प्लस करते हैं तो आंसर जो आता है उसको कहते हैं सम। तो ऐसे ही जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। तो हम जब एन को डिवाइड करेंगे टू से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, एक वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है, तो यही आंसर आएगा n अपॉन 2। हम इसको सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं अभी, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, m के साथ हम इसी को प्लस कर देंगे यानी n अपॉन 2। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहां पर हमसे कहते हैं द सम ऑफ m एंड द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 2। अगर यहां पर हमसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ n एंड 2 तो हम क्या करते, n और 2 को मल्टीप्लाई करते, उसका आंसर हमारा क्या आता, 2n आता, तो हम यहां प्लस कर देते 2n से। अगर यहां पर हमसे कहते द सम ऑफ m एंड द सम ऑफ n एंड 2 तो हम क्या करते, n प्लस 2 करते और यहां पर m के साथ प्लस कर देते, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आपने इस चीज को डील करना है। अब आपको चारों के नाम पता चल गए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं द कोशेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, जहां पर आपको ये भी बता रहे हैं व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, यानी ए को ऊपर रखना है और बी को नीचे रखना है, यानी ए अपॉन बी को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है टू देयर प्रोडक्ट, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने इसके साथ आपने ऐड कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, ठीक है। तो हमने यहां पर यही किया, ए अपॉन बी, उसके बाद फिर क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है किससे, टू देयर प्रोडक्ट, ए और बी के प्रोडक्ट से। तो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी प्लस ए बी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है वन थर्ड ऑफ एक्स, वन थर्ड, मैंने क्या बताया था इसके अंदर ये फ्रैक्शन बनता है कैसे, वन अपॉन थ्री, और उसके बाद क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे यहां पर, वन अपॉन थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करना है इसको तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। डिफरेंस किस चीज के डिफरेंस से, यानी माइनस कर देना है दो चीजों को, एक्स और वाई को, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हमें मल्टीप्लाई करना है दो चीजों के डिफरेंस से जिसमें एक्स बड़ा है वाई छोटा है। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास, वन थर्ड एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन थ्री, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको नहीं लिखेंगे और हम डायरेक्टली ब्रैकेट को लिख देंगे एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हमारे पास है थ्री फोर्थ ऑफ एक्स, तो अब की दफा हम इसको मल्टीप्लाई का साइन के बगैर लिखेंगे थ्री फोर्थ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है किससे, डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, व्हेन 2p इज लेस देन 5q, 5q बड़ा है 2p लेस है, तो मल्टीप्लाई कर देना है इसको 5q माइनस 2p से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 3/4x और ब्रैकेट में 5q माइनस 2p। तो आप देख रहे हैं गौर से, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं, जो हमारे पास यहां पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को उठा रहे हैं और उसकी एक एक एक्सप्रेशन बनाते चले जा रहे हैं। आइए अब मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार जो मेरे पास बुक है वो ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक D1 है, ओ लेवल्स की। उसमें पेज नंबर 90 पर हमारे पास एक्सरसाइज 4A में बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं, इसमें भी हम सेम वही करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पर आपसे कह रहे हैं ऐड कर दें 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, आपने 5y को
ऐड करना है, 5y को प्लस करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्रोडक्ट से। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा बच्चों, ए बी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, 5y को प्लस कर देना है ए बी के प्रोडक्ट से, ए बी को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसी तरह से आपसे कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 3, 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। अच्छा बच्चों, जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो उसके अंदर या तो आपको ग्रेटर स्मॉलर बता दिया जाता है और या आपको एक नंबर दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है इसमें से, किसमें से, तो जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो पहले आता है। अब वो क्या है हमारे पास, द क्यूब ऑफ एफ। ठीक है, तो हमने एफ का क्यूब कर दिया, क्यूब का मतलब क्या कि उसकी पावर 3 है। ठीक है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 को, तो हमने 3 को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। f की पावर क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें नंबर 3, यहां पर मल्टीप्लाई करना है k, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6q से। तो ये बच्चों क्या बनेगा, k मल्टीप्लाई बाय 6q, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये साइन हटा देते हैं, ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, 6qk या 6kq, आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं, वेरिएबल्स आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। यहां पर आपको डिवाइड करना है 2w बाय 3xy, तो बाय के अंदर जिस तरह ये लिखा होता है उसी तरह से आपने करना होता है, जो चीज पहले है वो ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, जो चीज बाद में है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास, 2w अपॉन 3xy, 2w को हमें डिवाइड करना है 3xy से। ठीक है, इसी तरह से यहां पर सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। सब्ट्रैक्ट की बात है ना, तो पहले हम फ्रॉम के बाद वाली चीज को देख लेते हैं, थ्राइस ऑफ x, जैसे ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना, किस चीज को, x को, थ्राइस ऑफ x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब क्या करना है इसमें से हमें, हम उल्टा जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें किसको, 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, डब्बे में बंद कर दो यानी इसकी पावर जो है वो हाफ हो जाए, तो z का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा बच्चों, तो ये क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं लगाते, मैंने आपको बताया है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट f है, टॉयस द वेरिएबल p, टॉयस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल p को, तो क्या बन जाएगा, 2p। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है बच्चों, तो हम डिवाइड कर देते हैं, अपॉन का साइन लगा देते हैं, बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, किससे डिवाइड करना है, 5 और q को मल्टीप्लाई करके, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 एंड q का प्रोडक्ट, दैट इज 5q, 5 मल्टीप्लाई बाय q नहीं लिखेंगे बल्कि 5q लिखेंगे। तो आज के लेसन में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना सीख लिए हैं बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया, कोई स्टिल कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।